छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता रद्द करने के पीछे भी एक बड़ी साजिश है। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का जो फैसला आया है वह एक बड़ी गहरी चाल नजर आ रही है। कुमारी सैलजा ने कहा, संसद को सत्ता पक्ष ने ही चलने नहीं दिया है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सदन चलती तो सवाल उठते ही रहते। राहुल गांधी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। विदेश में जाकर भारत के खिलाफ कहने की बात झूठी है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी पर ये सब कार्रवाई क्यों हुई, इसके पीछे बड़ा कारण पीएम मोदी के दुखती रंग पर हाथ रखना है। राहुल गांधी ने संसद में अडानी पर सवाल पूछे। अडानी की कमाई के पीछे कौन है, चीनी नागरिक कौन है, पीएम मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है, मोदी के साथ अडानी का गहरा रिश्ता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते को सार्वजनिक किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ पर बुलाया है, देश भर में जो एक ऐसा मुद्दा हमारे सामने आया है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, और जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ जो पिछले दिनों चाहे वो अदालत का लोअर कोर्ट का फैसला आया हो, कन्विक्शन, उसका घटनाक्रम और उसके बाद का घटनाक्रम, ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे जो तथ्य हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो बातें हुई हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन ये सिर्फ एक कोर्ट के फैसले की बात नहीं है। कोर्ट का फैसला किस प्रकार से आया और उनके लोकसभा की सदस्यता किस तत्परता से समाप्त की गई, ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गहरी चाल का हिस्सा नजर आ रही है। राहुल जी की पदयात्रा के बाद आपने देखा कि कैसे देश में माहौल बदल रहा था। राहुल जी ने बातें उठाई अपने पदयात्रा के दौरान, राहुल जी ने बात उठाई जब संसद का सत्र हुआ उसके दौरान। साथियों, हम ये सारा ब्यौरा आपके सामने, अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा, राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि राहुल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी की शायद किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। संसद में उन्होंने दो सवाल पूछे, मूल रूप से दो सवाल पूछे, क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन हैं? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते थे क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में, यह पैसा कहाँ से आया, यह किसका काला धन है और ये किसकी शेल कंपनियां हैं? यह कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है, ये कोई क्यों नहीं जानता किसका पैसा? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल, यह सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? राहुल जी ने ये पूछा और राहुल जी ने ये सारी जो बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध हैं वहाँ से निकाल कर ये सवाल पूछे। दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अडानी से रिश्ता क्या है,
उनके विमान की तस्वीरें आप सबने देखी। उनका रिश्ता आज से नहीं, पहले से कितना गहरा रिश्ता है ये सब जानते हैं और सबने देखा। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी जी की तस्वीरें दिखाई। और स्टेट बैंक ने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया, इसके बारे में भी दस्तावेज राहुल जी ने दिखाए। अब मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने देखा, उन्होंने किस तरह से बोला सदन में, इस बात पर तो वो आए ही नहीं जो सीनियर नेता विपक्ष का सवाल आपके सामने रखता है, आपको उसका जवाब देना होता है, उसके बारे में आपको कुछ कहना होता है। लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सारी बात को एक तरफ रख दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और उसके विपरीत राहुल जी द्वारा उठाए गए सवाल, उनके वक्तव्य सदन के रिकॉर्ड से मिटा दिए गए, हटा दिए गए। और यही हाल आपने देखा राज्यसभा में, जहां हमारे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने जो बातें कही, कविता भी बोली, उसको भी रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। इतना क्यों डरते हैं? क्या समझते हैं कि ये बातें जनता के बीच में जाती हैं, जनता समझती नहीं है क्या? या इनको ये लगता है कि कोई भी कविता, कोई भी बात, कोई भी शायरी केवल उनकी ओर है? तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है ना साथियों, वरना इतना क्यों घबरा जाते हैं? पार्लियामेंट में, सदन में कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं कही गई, ऐसी कोई बात नहीं जो एक्सपंज करने लायक हो या कहा गया हो कि ये शब्द एक्सपंज करने वाले हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं। लेकिन सारा रिकॉर्ड दोनों सदनों से हमारे नेताओं की जो बातें उठाई वो निकाल दी गई। और इसके साथ में आपने एक और बड़ी रोचक बात देखी है पिछले दिनों में, क्या कारण है कि संसद को सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रहा? ऐसा होता है कभी? सत्ता पक्ष का उनके इंटरेस्ट में होता है, सरकार के इंटरेस्ट में होता है कि सदन चले, सदन चलाना उनकी जिम्मेवारी होती है। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के साथ बातचीत करता है कि हमको सदन चलाना है, गिव एंड टेक करते हैं कि चलो हम आपको ये उठाने देंगे, सदन चलना चाहिए, ये उनकी जिम्मेवारी है। क्योंकि सदन का नेता सत्ता पक्ष का होता है, उनकी जिम्मेवारी, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते, सदन को चलने नहीं देना चाहते। क्योंकि सदन चलेगा तो ये सवाल सामने आएंगे, सदन चलेगा तो राहुल गांधी जी सामने आएंगे, सदन चलेगा राहुल गांधी जी बोलेंगे। और साथियों, जब राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आप देखते हैं कि किस तरह से इनके मंत्री और सभी लोग एकदम निकल कर, राहुल गांधी जी ने कुछ बात ना भी कही हो तो उनकी कल्पना ऐसी है कि वो ऐसी बातें बना लेते हैं और एक झूठ बार बार बोलते हैं और उन्हें लगता है कि वो झूठ बोलने से लोग उसे मान लेंगे। राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए कि उन्होंने विदेश में जाकर कुछ कहा,
सारी बात रिकॉर्ड की है, सारी बात कही जा चुकी है, सार्वजनिक की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी दो बार, राहुल गांधी जी खुद अध्यक्ष महोदय से मिलकर आए कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, उनका अधिकार था, उनका अधिकार था बोलने का, वो सांसद थे, और अगर किसी सांसद के बारे में कुछ कहा जाए उसका अधिकार होता है रूल्स के मुताबिक कि वो जवाब दे, लेकिन ये राहुल जी के जवाब से डर गए, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जहां एक ओर सदन की कार्रवाई को रोका गया, पूरी सोच समझ कर सत्ता पक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई को रोका गया, वहीं दूसरी ओर दूसरा पैरेलल एक घटनाक्रम भी चल रहा, और ये बात है जो राहुल गांधी जी के ऊपर केस चलाया गया सूरत में। चुनावी भाषण दिया था राहुल जी ने 16 अप्रैल 2019 को, बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी नाम, पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई वहाँ की अदालत में, लोअर कोर्ट में। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से रोक लगाने की खुद मांग की और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, अपनी ही बात पर, अपने ही केस पर खुद रोक लगवाई हाई कोर्ट में जाकर, और हाई कोर्ट ने रोक लगाई। 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रिश्तों पर सवाल उठाया। 16 फरवरी घटनाक्रम देखिए, 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में जो स्टे लगाया हुआ था अपने अनुरोध को वापस ले लिया, और 27 फरवरी को 2023 निचली अदालत में सुनवाई एकदम फिर से शुरू हो गई। 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया, साथ के साथ दोषी भी ठहरा दिया और 2 साल की मैक्सिमम सजा भी सुना दी। 24 मार्च को 23 को ये हुआ और 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। अब साथियों दो सवाल, एक है कानूनी कार्रवाई, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, जो सेंटेंस सुनाया गया हमारे विचार हैं, देश का विचार है कि ये इतना ज़्यादा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, लीगल सवाल है वो हम अदालत में हमारे वकील साहिबान उठाएंगे, अदालत की कानूनी लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे, जिस लेवल पर जहाँ जाकर जो करना होगा वो हम कानूनी बात अलग रखते हैं। तो पहला तो सवाल है कानून। साथियों दूसरा सवाल आ जाता है कि इसको, इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किस प्रकार से इस मुद्दे को ट्विस्ट दिया, कैसे इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मत भूलिए कि मूल बात ये थी कि राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो सरकार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, और उसी घटनाक्रम में आप देख लीजिए कि तुरंत उनकी सदस्यता भंग की जाती है, खत्म की जाती है, और साथ के साथ साथियों साथ उनको कहा जाता है कि आप मकान खाली कीजिए। अब ये किस स्तर की सोच है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी को कहते हैं कि आप अपना मकान खाली करो, अभी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं, हमें समय मिला है आगे जाने का,
अदालत में जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो इनकी ओछी सोच है उसका प्रमाण आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, कितनी जल्दी सदस्यता खत्म और उसके साथ कितनी जल्दी कि आप मकान खाली कर, जैसे तो उस मकान के बिना ये सरकार नहीं चल रही, ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। क्या राहुल गांधी जी इन चीज़ों में कभी ना पढ़े हैं ना पढ़ सकते हैं? उन्होंने साथ के साथ चिट्ठी लिख दिया कि मैं मकान उससे पहले ही खाली कर दूंगा। तो बात मकान की नहीं है लेकिन उनकी सोच की, कि किस प्रकार की सोच वो दिखा रहे हैं हमारे देश में। साथियों, जो पहला मुद्दा था जो इन्होंने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बात कही, ये सरासर बेबुनियाद सफ़ेद झूठ है। राहुल गांधी जी ने कहा, जब वहाँ के हमारे यहाँ के लोकतंत्र की बात थी, कि भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का हमारे देश के लोकतंत्र में अटूट दृढ़ विश्वास है। एक बार नहीं, बार बार ये बात उन्होंने कही है। और आज की भी जो बुनियादी लड़ाई है वो है देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। एक तरफ तानाशाही ताकतें और एक तरफ हमारे देश का लोकतंत्र, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ये है। एक और बात जो भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनके अध्यक्ष नड्डा जी ने क्या कहा, नड्डा जी ने कहा बीच में ओबीसी कि ये तो ओबीसी के खिलाफ। अब जब कुछ और नहीं सूझता तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है हमारे समाज को बांटने की, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, तो इन्हें कुछ और नहीं सूझा कि हम किस आधार पर इन सब बातों को लेकर आएं। तो उन्होंने सोचा कि हम ओबीसी कार्ड खेलें। अब इसमें ओबीसी कार्ड कहाँ आता है? राहुल गांधी जी कभी भी, आज तक उन्होंने कोई जाति विशेष की राजनीति नहीं की, गरीब की राजनीति की। और ये दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब का हाथ थामा है। हमारे दो दो मुख्यमंत्री हैं ओबीसी के, तीन में से दो मुख्यमंत्री ओबीसी के। तो ये क्या उंगली उठाना चाहते हैं? केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओबीसी कार्ड आया कहाँ से? और ये जिनके नाम वहाँ पर लिए गए हैं क्या वो तीनों ओबीसी हैं? बता दें। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप मुझे बताइए कि क्या भ्रष्टाचारियों की कोई जाति होती है? तो इसमें भ्रष्टाचार की लड़ाई है या जाति की लड़ाई? अब भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब जातियों पर इस देश के समाज को बांटना चाहते हैं। और क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है, आपने क्यों नहीं वहाँ पर जाकर कोलार में केस दायर किया, क्यों जाकर गुजरात में किया? बहुत सी बातें हैं साथियों, अब जब कुछ बचा नहीं है तो ये इस तरह की बात करते हैं। एक और बात आती है सामने साथियों, कि ऐसे मानहानि के अनेकों केस आए हैं, आते हैं अदालतों में। अब एक भी केस बता दीजिए जहां पर इतनी तत्परता के साथ बिना इंक्वायरी किए आपने 2 साल की सजा सुना ली। कभी हुआ है? कभी भी किसी भी मानहानि केस में ऐसा हुआ है कि 2 साल की सज़ा सुना दी गई? ये भी हम पहली बार
देख रहे हैं। यही कहा है कि हम जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई के तौर पर हम लड़ेंगे, तो हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन जो इसके पीछे ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है वो तो राजनीतिक है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। और ये भी आपकी बात सही है कि जब कोई भी बात होती है ये अपने मंत्रियों को, अपने इनको नेताओं को ऐसे फील्ड में भेजते हैं मीडिया के सामने, और अब उनकी भाषा का क्या स्तर रह गया है, मंत्री हैं, सो कॉल्ड सीनियर हैं, अब उस पर क्या टिप्पणी की जाए। मुश्किल ये है कि जिस निम्न स्तर की भाषा और सोच का प्रमाण ये लोग देते हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह की सोच और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी हमने नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा गरिमा में रहकर बात की, लेकिन इनकी शब्दावली में, इनकी डिक्शनरी में शायद गरिमा शब्द कहीं है ही नहीं। राजनीतिक लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हम, हमारा दिल साफ है, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को जब टारगेट किया गया है तो ये राहुल गांधी को टारगेट नहीं किया गया, राहुल गांधी को टारगेट इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए, राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया देश के लोकतंत्र को बचाने का, राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ऐसे सवाल पूछे हैं और अडानी जी के बारे में ऐसे सवाल पूछे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद पसंद नहीं आए, तो इसलिए वो खुद चुप्पी साधे हैं। आज जिस तरह से ये हमारे केवल राहुल गांधी पर नहीं लेकिन पूरे लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे 135 करोड़ लोग, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष है, लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया, सबको देखना होगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम क्या रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई साथियों हर जगह लड़नी, हमारे अनेकों महापुरुषों ने, गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, मौलाना ने, और देश के करोड़ों देशवासियों ने लड़ाई लड़ी थी। करोड़ों देशवासियों के बिना कोई भी लड़ाई नहीं पूरी हो सकती, हर जगह हर समुदाय, तब कोई जाति नहीं देखी जाती थी, सबने उस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, तभी देश आज़ाद हुआ था बरतानवी हुकूमत से, विदेशी ताकतों से। अगर तब हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते तो ये देश क्या कभी आज़ाद हो सकता था? ये ताकत है लोगों की, और हम आज आज़ाद देश में हैं, जिस आज़ादी को आप सबके, हम सबके पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर हासिल की, आज हमने उस आज़ादी को बचाना है। केवल राहुल गांधी की बात नहीं, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संसद में हो या ना हो, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनसे जो एज एमपी उनको मकान अलॉट हुआ था वो वापस इतनी जल्दी ले लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है उसको आपने, लोगों ने, हमने, हमारी पार्टी ने देखना है। तो साथियों, ये लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने देखा कि हमने शुरुआत की, महात्मा गांधी जी के समाधि पर बैठकर संकल्प सत्याग्रह हमने शुरू किया, यहाँ पर आपने किया, जगह जगह पर किया। आने वाले वक्त में हम इस संघर्ष को, लोकतंत्र के संघर्ष को लोगों तक लेकर जाएंगे, ज़मीन पर लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा, कल आपने देखा हमारा कैलेंडर AICC से आया है, जो है क्या अभी आपके पास, वैसे तो मीडिया को रिलीज हो चुका है,
थैंक यू।